हेलो, आज हम टॉपिक लेके आए हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आइसोटोप पढ़ने से पहले ना हमने बात की थी पिछले वीडियो में, एटॉमिक नंबर डिस्कस किया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमने देखा था मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर प्लस कर दें तो क्या निकलता है? मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन में कितना, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। सो कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना? 6। और प्रोटॉन भी कितने हैं? 6 है। मास नंबर की बात करते हैं, कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12। तो 12 मास है उसके अंदर, तो प्रोटॉन कितने हैं उसके अंदर? 6। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। तो लोगों प्लस करके कितना हो गया? 12। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर समझ आ गया। अब अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर समझ आ गया तो तुम्हें आइसोटोप भी समझ आ जाएगा। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट जो होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो आइसोटोप क्या है? आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है आइसोटोप में? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। बस इतना ही याद रखना है, आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, वो क्या बोले जाते हैं? आइसोटोप्स बोले जाते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हाइड्रोजन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं? 3। कौन कौन से हैं 3 आइसोटोप? पूछे भी जाते हैं, 9 को भी है, प्लस 1 भी है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, एक है आपका प्रोटियम। कौन सा है? प्रोटियम, PROTIUM। तो पहला कौन सा है? प्रोटियम। और दूसरा कौन सा है? ड्यूटीरियम। सेकेंड कौन सा है? ड्यूटीरियम। और तीसरा ट्राइटियम। सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम, तीसरा ट्राइटियम। अब इन आइसोटोप में हमने अभी बताया, आइसोटोप में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। और एटॉमिक नंबर भी हमने देखा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? इक्वल्स टू प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अच्छा, तो इसका मतलब इन तीनों के अंदर प्रोटॉन्स क्या है? सेम है प्रोटॉन्स, या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर। तो तीनों का क्या है? सेम, 1 1 1। तीनों के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं? 1 1 1। तीनों में प्रोटॉन सेम है। डिफरेंट कौन है? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, क्योंकि मास नंबर किसकी वजह से होता है? मास नंबर क्या होता है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, अब न्यूट्रॉन देख लेते हैं। इसके अंदर न्यूट्रॉन जो आपका पहला आइसोटोप है 1 1, इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। ड्यूटीरियम के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 1। और ट्राइटियम के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2। सो ये क्या है? प्रोटॉन, और ये क्या है? न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए, तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर? मास नंबर। मास नंबर चेक करना दिखाई है, ये क्या है? मास नंबर है। अब यहाँ पे इसका कितना है? प्रोटियम कितना है? इसमें प्रोटॉन कितना है? 1। और न्यूट्रॉन क्या है इसमें? है ही नहीं। तो इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो मास नंबर कितना आएगा? यहाँ 1 आएगा। इसमें देखते हैं ड्यूटेरियम के अंदर, ड्यूटेरियम है इसमें कितना एटॉमिक नंबर? 1, प्रोटॉन 1, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 1। दोनों में 1 1 कितना हो गया इसका? 2। ये वाला देखो, इसमें 1 और ये कितने न्यूट्रॉन? इसमें 2। तो टोटल कितना हो गया इसमें? 3। सो यहाँ पर क्या देखने को मिला तुम्हें कि यहाँ पर 1 मास वाला हाइड्रोजन, 2 मास वाला हाइड्रोजन और 3 मास वाला हाइड्रोजन। तो ये, लेकिन इन सबका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर तीनों का सेम, यही बोल रहे हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, 1 2 3। सो अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? ये जो न्यूट्रॉन, ये जो एटॉमिक नंबर आइसो
आइसोटोप्स है। आइसोटोप किसकी वजह से बने? न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से। किसके चेंज होने की वजह से? कौन बदल रहा है? ये तो सेम हो, बदला कौन? न्यूट्रॉन बदला। सो आइसोटोप किसकी वजह से बनते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स। किसमें डिफरेंस है? न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, जो प्रोटियम होता है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में नेचर के अंदर है वो कौन सा है? जो हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं जो, वो कौन सा है? प्रोटियम है इसको हम, और ड्यूटेरियम इसको हम हैवी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। इसको हम H2O कहते हैं और ड्यूटेरियम के लिए हम डी यूज करते हैं, जस्ट D2O। और ये है ट्राइटियम, ये कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा? ट्राइटियम। ये अर्थ पर कम है, ये मून पर ज़्यादा है, बट इट इज़ रेडियो एक्टिव। सो ये क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये क्या है? ट्राइटियम। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं हम, किसका? कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन के भी दो आइसोटोप हैं जो हमने देखा था। एक तो कार्बन क्या है? कार्बन 12 और एक कौन सा है? कार्बन 14। कार्बन 12 एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दोनों में प्रोटॉन्स कितने हैं? 12। सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। तो 6 6। लेकिन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स अलग है। यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? मास नंबर में से प्रोटॉन को क्या कर दो? माइनस कर दो। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? मास नंबर में से इसको माइनस कर लेंगे हम प्रोटॉन्स को या एटॉमिक नंबर को। सो यहाँ पर मास कितना है? 12। इसके से प्रोटॉन 6 माइनस कर दिए, कितना है न्यूट्रॉन? 6। इसमें कितने आएंगे? 8। तो कार्बन की भी दो आइसोटोप है, एक कार्बन 12 जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा है? कार्बन 12। और एक जो हमारे एक कौन सा है? कार्बन 14। अच्छा कार्बन 14 कैसा है? ये रेडियो एक्टिव है। कैसा है? ये रेडियो एक्टिव। अच्छा कार्बन 14 कैसा है? इसकी वजह से हम फॉसिल फ्यूल की एज पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? फॉसिल, जो आपको पुराने टाइम के फॉसिल्स मिलते हैं उनका हम ये पता कर लेते हैं कि कितना पुराना है। वो किसकी हेल्प से? कार्बन 14 की हेल्प से। ठीक है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करते हैं। सो कार्बन के भी दो ऐसे जो हो, ऐसे क्लोरीन के, जैसे कार्बन का एक 13 का भी डिस्कवरी हुई है, 13 भी है। अभी हम बात कर लेते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन के भी दो ऐसे जो हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। इसमें कितने प्रोटोन और कितने न्यूट्रॉन है ये तुम खुद से निकाल के देखो एंटायर गवर्नमेंट बॉक्स। ऐसे एक और आपका न्योन, न्योन के भी दो आइसोटोप्स हैं, खुलता है ना? न्योन के भी दो आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन के भी हैं, ऑक्सीजन के तीन आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो उसका मास लेवल कर दो 16। तो ऑक्सीजन के तीन है, ऑक्सीजन का 16 मास वाला, 17 मास वाला और 18 वाला। और न्योन का एटॉमिक नंबर कितना है? न्योन का 10। तो इसके भी है ना, आपके 10 का डबल कर दो कितना मिलेगा आपको? 20। तो एक न्योन 20 वाला और एक न्योन 21 वाला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।